पंजाबी एकत जन लेके रहे सारे दर्शकों को प्यार प्री सत श्री अकाल। हुण तक दी वड्डी खबर, पटियाला जेल में बंद बिक्रम मजीठिया मोहाली कोर्ट वालों वड्डा झटका लग्या है। बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी मोहाली कोर्ट वालों खारिज कर दी गई है। जिक्रयोग है कि नशा तस्करी के केस में सीनियर अकाली लीडर बिक्रम मजीठिया ने केंद्रीय जेल पटियाला रात गुजारी है। बिक्रम मजीठिया का नाम नशा तस्करी केसा में लंबे समय तो गूंज रहा है, पर वह कई वरिया मगरों पहली बार जेल गए हैं। बिक्रम मजीठिया का दावा है कि नशा तस्करी केस के सारे दोषी पहला ही सलाखा पिछे हैं, कांग्रेस सरकार उन्होंने सियासी बदलाखोरी तहत निशाना बना रही है। मजीठिया पुलिस के सख्त सुरक्षा पहरे हेठ वीरवार रात 9 बजे तो बाद पटियाला लिया गया। मुढ़ली दस्तावेजी कार्रवाई तो मुकम्मल करने से मजीठिया रात 9:15 बजे जेल अंदर भेज दिया गया। उंज मजीठिया जेल की ड्यूटी च भी तकरीबन अद्धा घंटा रोक के रखा गया, क्योंकि किसी भी बैरक च भेजने तो पहला संबंधित मुलजम का नाम कुर्सीनामा ड्यूटी च ही तैयार किया जाता है। दस दे कि पंजाब की चन्नी सरकार ने अपने अंतले दिनों दौरान ही 21 दिसंबर 2021 मजीठिया खिलाफ DGP के हुक्म अनुसार स्टेट क्राइम थाना मोहाली नशा तस्करी के दोषों अधीन यह केस दर्ज किया, जिस दौरान STF वालों नशा तस्करी मामले च साल 2018 हाईकोर्ट च दखल की गई स्टेट्स रिपोर्ट का हवाला भी दिता गया। हुण बिक्रम मजीठिया की मोहाली कोर्ट वालों जमानत अर्जी रद्द कर दी गई है। सो इस हुण तक की वड्डी खबर, होर खबरां देखने लई साडे चैनल नाल बने रहो। धन्यवाद।